अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज हमारी क्लास है मैथ्स और आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे पेज नंबर 45। एक्सरसाइज 4, लिस्ट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स देन फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, देखिए हमारे पास ए में 6 और 12 है। ठीक है, पहले हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, 6 ones are 6, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 1 6s are 6। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब हमारे पास सेकंड क्या है, 12। ठीक है, 12 1s are 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 2 6s are 12। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये देखें, 1 and 1 ये कॉमन हो गया, 2 and 2 कॉमन, 3 and 3, 6 and 6। ठीक है, ये सेम हो गए और ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 12 आर 1, 2, 3 and 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है और ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। आपने बी बी एस ई करना है और एंड सी बी एस ई करना है आपने। ठीक है, ये दोनों आपने खुद से करने हैं, ये आप लोग देख लीजिए और ये आपने बुक में ही करना है। पेज नंबर 48। ठीक है, व्हाट इज़ द थर्ड मल्टीप्लाई ऑफ 7। ठीक है, देखिए अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मल्टीप्लाई 7 is equal to 21, 3 7s are 21, द थर्ड मल्टीप्लाई ऑफ 7 is 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द 9th मल्टीप्लाई ऑफ 9। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही होगा, देखिए 9 9s are 81, द 9th मल्टीप्लाई ऑफ 9th is 81।